गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रामकृष्ण शिंदे आपका स्वागत कर रहा हूँ हमारे जीनियस इंग्लिश स्पोकन कोर्स में। और दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, एंड आई होप दैट यू हैव स्टार्टेड एक्शन ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। हैव यू? वेरी गुड, क्योंकि कुछ करने से ही कुछ हम आगे बढ़ेंगे, सिर्फ बोलते रहने से कुछ भी नहीं होने वाला है, हमें एक्शन करना है दोस्तों, ठीक है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने फॉर्म्स ऑफ टू बी जो है उसके सिक्स फॉर्म पढ़े थे, जिसमें एम के सिक्स फॉर्म कैसे बनाते हैं, ईच के सिक्स फॉर्म कैसे बनाते हैं, आर के सिक्स फॉर्म कैसे बनाते हैं, वो पढ़े थे। मतलब सिक्स फॉर्म क्या है ये, तो पहला सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, दूसरा सेंटेंस नेगेटिव होता है, तीसरा सेंटेंस जो होता है उसका वो वर्बल क्वेश्चन अफर्मेटिव होता है, और उसका फोर्थ जो क्वेश्चन होता है या सेंटेंस होता है वो नेगेटिव क्वेश्चन होता है, वर्बल क्वेश्चन। और फिफ्थ सेंटेंस जो होता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन, जो अफर्मेटिव होता है, और सिक्स जो सेंटेंस है उसका नेगेटिव होता है, जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन होता है। तो इस तरह से, क्योंकि ये बोलचाल में आते हैं इसी तरह से सेंटेंसेस, बाद में हम टेंस और सारे के सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग भी इसी फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इस सिक्स फॉर्म को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। दिस इज द न्यू टर्म आई एम यूजिंग, सिक्स फॉर्म्स, क्योंकि ये सिक्स फॉर्म में सेंटेंसेस बोले जाते हैं हमारे हर दिन की जिंदगी में, तो ठीक है ना। तो हम लोग इसके पहले, जैसे मैंने कहा, एम ईच आर सीख चुके, तो आज हम इसी सीरीज में पढ़ते हैं वाज एंड वेयर का प्रयोग इन सिक्स फॉर्म। तो जैसे यहाँ पर देखिए, पहला सेंटेंस है अर्जुन वाज अ वॉरियर, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है कि अर्जुन योद्धा था। देखिए, सेंटेंस के आखिरी में हमें फुल स्टॉप देना पड़ता है, और सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से करते हैं, ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी दोस्तों। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है कि अर्जुन योद्धा नहीं था, तो हम क्या बोलेंगे, अर्जुन वॉज नॉट अ वॉरियर, अर्जुन योद्धा नहीं था। तो जो नॉट लगाते हैं हम लोग, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाते हैं, जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में कहा था कि यम है या ईज है या आर है, उसके बाद में ही आपको नॉट लगाना है। तो अर्जुन वॉज अ वॉरियर, अर्जुन योद्धा था, अर्जुन वॉज नॉट अ वॉरियर, अर्जुन योद्धा नहीं था। अब मुझे बोलना है क्या अर्जुन योद्धा था, तो जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट को बाद में लेना है और वर्ब को आगे लाना है, तो वॉज अर्जुन अ वॉरियर, क्या अर्जुन योद्धा था। इसका नेगेटिव बनाना है, क्या अर्जुन योद्धा नहीं था, वॉजंट अर्जुन अ वॉरियर, क्या अर्जुन योद्धा नहीं था। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वॉज अर्जुन नॉट अ वॉरियर, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है ना। ओके, फिर अर्जुन क्या था, तो व्हाट वॉज अर्जुन, अर्जुन क्या था, एंड इसका नेगेटिव डब्ल्यू एच क्वेश्चन, व्हाट वॉजंट अर्जुन, अर्जुन क्या नहीं था। तो इस तरह से सिक्स फॉर्म बनते हैं। फिर से एक सेंटेंस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे देखिए, माय ग्रैंडफादर वॉज काइंड, मेरे दादाजी दयालु थे। अब मुझे कहना कि मेरे दादाजी दयालु नहीं थे, तो माय ग्रैंडफादर वॉज नॉट काइंड, मेरे दादाजी दयालु नहीं थे। क्या मेरे दादाजी दयालु थे, वॉज माय ग्रैंडफादर काइंड। देखो, क्वेश्चन बोलने का तरीका भी, क्वेश्चन इस तरह, वॉज माय ग्रैंडफादर काइंड, क्या मेरे दादाजी दयालु थे। फिर मुझे बोलना है कि क्या मेरे दादाजी दयालु नहीं थे, वॉजंट माय ग्रैंडफादर काइंड, क्या मेरे दादाजी दयालु नहीं थे। अब मेरे दादाजी कैसे थे, कैसे थे, तो कैसे के लिए क्या शब्द है, हाउ, हाउ वॉज माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी कैसे थे, मेरे दादाजी कैसे नहीं थे, हाउ वॉजंट माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी कैसे नहीं थे। समझ, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग एक काइंड की जगह दूसरा शब्द होता कि मेरे दादाजी खेत में थे, तो क्या होता, माई ग्रैंडफादर वॉज इन फील्ड। फिर माई ग्रैंडफादर वॉज नॉट इन फील्ड लिखते हैं हम लोग, माई, फिर वॉज माई ग्रैंडफादर इन फील्ड, वॉजेंट माई ग्रैंडफादर इन फील्ड। फिर फील्ड क्या शो करता है, प्लेस शो करता है, तो हमारा डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनता है वेयर से, और हम लिखते हैं वेयर वॉज माई ग्रैंडफादर एंड वेयर वॉजेंट माई ग्रैंडफादर। तो इस तरह से दोस्तों, जो आपके सेंटेंसेस रहेंगे उसके हिसाब से जो डब्ल्यू एच वर्ड आएगा वो वहाँ पर हु आएगा, व्हाट आएगा, हाउ आएगा या वेयर आएगा, ये डिपेंड रहेगा कि आपका ये जो शब्द आ रहा है वो क्या है, वो नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। इज दैट क्लियर? अब बढ़ते हैं हम लोग वेयर के प्रयोग की तरफ। तो देखिए, वेयर ये प्लूरल नाउन के साथ में आता है या प्लूरल जो प्रोनाउन होते हैं उनके साथ में आता है, लेकिन यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल, उसके साथ में वेयर ही आता है, ये ध्यान रखना हमेशा। तो जैसे चिल्ड्रन, मतलब बच्चे, चिल्ड्रन वेयर इन गार्डन, बच्चे बगीचे में थे, बहुत सारे बच्चे थे और वो बगीचे में थे। अब मुझे कहना है कि बच्चे बगीचे में नहीं थे, तो देखिए, चिल्ड्रन वेयर नॉट इन गार्डन, बच्चे बगीचे में नहीं थे। क्या बच्चे बगीचे में थे, वेयर चिल्ड्रन इन गार्डन, क्या बच्चे बगीचे में थे,
तो आपको वर्ब को पहले लाना है और सब्जेक्ट को बाद में लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर चिल्ड्रन का जो सी है यहाँ पर कैपिटल, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल से होती है, लेकिन जैसे ही ये चिल्ड्रन इधर आ गया है तो ये स्मॉल हो गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, प्रॉपर नाउन कहीं पर भी हो कैपिटल रहता है हमेशा, लेकिन कॉमन नाउन है वो स्टार्ट में कैपिटल में आते हैं लेकिन बीच में जब भी आएंगे वो स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ठीक, तो वेयर चिल्ड्रन इन गार्डन, क्या बच्चे बगीचे में थे। देखिए जहाँ पर भी क्वेश्चन है हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क दिया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछेंगे उसके आखिर में आपको क्वेश्चन मार्क देना है। ये ग्रामेटिकल क्या है, करेक्ट सेंटेंसेस है। फिर वरन चिल्ड्रन इन गार्डन, क्या बच्चे बगीचे में नहीं थे। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वेयर चिल्ड्रन नॉट इन गार्डन। फिर बच्चे कहाँ थे, कहाँ के लिए कौन सा शब्द है, वेयर, वेयर वर चिल्ड्रन, बच्चे कहाँ थे, इसका आंसर क्या आएगा, इन गार्डन। Where weren't children, बच्चे कहाँ नहीं थे। तो इस तरह से हम सिक्स फॉर्म बनाएंगे और बहुत आसान जाएगा दोस्तों। अब देखिए फिर से एक सेंटेंस आपके लिए बताया मैंने कि जैसे दे वर फार्मर्स, वे किसान थे। अब इसका नेगेटिव, दे वर नॉट फार्मर्स, वे किसान नहीं थे। ठीक, फिर क्या वे किसान थे, वेयर दे फार्मर्स, क्या वे किसान थे। वरंट दे फार्मर्स, क्या वे किसान नहीं थे। अब हम क्या बोलेंगे, वे कौन थे या वो क्या थे, तो हम व्हाट वेयर दे लिख सकते हैं या हु वेयर दे, वो कौन थे, वे कहाँ थे, क्या थे, व्हाट वेयर दे और हु वर दे, वे क्या थे या वे कौन नहीं थे या वो क्या नहीं थे। इस तरह से दोस्तों ये सिक्स फॉर्म होते हैं और इनका जब हम सेंटेंसेस बनाने का प्रयोग करेंगे, प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रयोग करेंगे तो डेफिनेटली वी विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट इन मेकिंग सेंटेंसेस। फिर से मैं आपको एक बता दूं, जैसे आई वॉच इन थिएटर, मैं थिएटर में था, मैं थिएटर में नहीं था बोलना है, किसी को पता, कोई दोस्त पूछ लेता है तू कहाँ था, तू कल कहाँ था, आज सुबह कहाँ था, तो हम बोल सकते हैं मैं गार्डन में था, मैं थिएटर में था, कल मैं थिएटर में था। तो जैसे आई वॉज इन थिएटर, अब मुझे कहना कि मैं थिएटर में नहीं था तो आई वॉज नॉट इन थिएटर, मैं कहाँ था। कभी कभी हम अपने आप को सवाल पूछते हैं, मैं कल कहाँ था तो वेयर वॉज आया, मैं कहा नहीं था तो वेयर वॉज इट आई। समझ में आया, क्या मैं थिएटर में था, वॉज आई इन थिएटर, क्या मैं थिएटर में नहीं था, वॉज इट आई इन थिएटर। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते, क्योंकि बोलने में ज्यादातर इसी सिक्स फॉर्म में सेंटेंसेस आएंगे, तो इसका प्रयोग कीजिएगा। मेरे दोस्त पार्टी में थे, मेरे दोस्त पार्टी में थे, तो माय फ्रेंड्स वेयर इन पार्टी, मेरे दोस्त पार्टी में नहीं थे, माय फ्रेंड्स वेयर नॉट इन पार्टी, क्या मेरे दोस्त पार्टी में थे, वेयर माय फ्रेंड्स इन पार्टी, क्या मेरे दोस्त पार्टी में नहीं थे, वरन माय फ्रेंड्स इन पार्टी, मेरे दोस्त कहाँ थे, वेयर वेयर माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्त कहाँ नहीं थे, वेयर वरन माय फ्रेंड्स। तो इन दिस वे फ्रेंड हम सिक्स फॉर्म का प्रयोग करके सेंटेंसेस बोलेंगे और सीखेंगे। इसके रोज के कम से कम 10-12 सेंटेंसेस बनाया करो और उसको बोलने का प्रयास करो। ये हर दिन आते हैं सेंटेंस, आप घर में बोल सकते हो, मम्मी से बोल सकते हो, पापा से बोल सकते हो, भाई से बोल सकते हो, दोस्तों से बोल सकते हो, अरे तू कहाँ है, तू कहाँ है, वेयर आर यू। ठीक ना, क्या तू मार्केट में है, क्या तू मार्केट में है, देखो आर का प्रयोग होगा, क्या तू मार्केट में है, तो आर यू इन मार्केट, नहीं वो घर में है, वो घर में है, ही इज एट होम। तेरा दोस्त कहाँ है, तेरा दोस्त कहाँ है बोलना है हमको, वेयर इज योर फ्रेंड। तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस पकड़ो, क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस हिंदी में या मराठी में जो भी आपकी मदर टंग है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने का प्रयास करो एंड डेफिनेटली यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर्म्स ऑफ टू बी के सीरीज में शैल हैव और विल हैव का सिक्स फॉर्म पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत जा रही हो, तो आप मुझसे ज़रूर अपने विचार ओपिनियन जो है कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि हमारा पर्पज है आपको एक अच्छा ग्रामेटिकल परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर बनाना। ओके, अ गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।